श्री हित राधा के लिए कुंज दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो यही वो आश्रम है जहाँ पर हमारे प्रेमानंद महाराज जी सत्संग किया करते हैं। सभी भाइयों को राधे राधे। दोस्तों जैसा कि आप पीछे का साइन बोर्ड देख पा रहे हो लिखा हुआ मेरो वृंदावन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वृंदावन में हूँ और अभी एंट्री गेट पे हूँ। ये जो चौराहा इसका नाम है छठीगरा। और दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखा होगा आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रेमानंद महाराज जी का जो घर है वो दिखाने वाला हूँ। वृंदावन में कहाँ पे रहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जरा से भी जुड़े हैं तो आपको पता होगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। दोस्तों एक वाक्य भी आया था कि जो है इनका जो है किडनी फेलियर हो गया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। फिर उन्होंने राधा रानी जी के ऊपर छोड़ दिया। राधा रानी जी की इतनी कृपा हुई कि ये अभी स्वस्थ हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेमानंद महाराज जी का जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वो सत्संग करते हैं, यहाँ की वीडियो आती हैं और रास्ता भी बताऊँगा कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ पर उनका आश्रम है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए एंड तक देखिएगा। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो अभी हम आ चुके हैं मथुरा से वृंदावन और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। यहाँ से एंट्री होती है, आप देख सकते हो ये गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे और फिर हम चलेंगे प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की तरफ। जब मैं यहाँ पे आया तो यार मंदिर यहाँ पे बंद था और मंदिर खुलता, मैं आपको बता देता हूँ कितने बजे से कितने बजे तक। सुबह 7 बजे खुल जाता है, दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है और फिर इवनिंग में 4 बजे से 8 बजे रात तक खुला रहता है। अभी मैं आपको साइन बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए बंद है। तो भैया ये रही मंदिर की टाइमिंग, आप देख सकते हो, ये देखिए माँ वैष्णो देवी धाम इतने बजे से इतने बजे तक खुलता है। मंदिर बंद होने के कारण मैं यहीं से आपको दर्शन करा देता हूँ, आप दर्शन कर लीजिए। तो जब आप आते हो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की तरफ तो जो है ये परिक्रमा मार्ग पर आपको सारी जितनी वॉल हैं उनमें राधे राधे लिखा हुआ नज़र आएगा। राधे राधे, श्री राधे, हरे कृष्ण, ये आप देख सकते हो हर जगह पर। पेड़ों में भी आपको जो है यहाँ पर राधा नाम जो है लिखा मिलेगा, आप देख सकते हो। ये परिक्रमा मार्ग है और बहुत ही खूबसूरत मार्ग है। मैं काफ़ी देर से चलता हुआ जा रहा हूँ, देख सकते हो भैया। अभी बैठने के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है, रास्तों में बैठने के लिए इस तरीके से छतरियाँ बनी हुई हैं। और आपको जब जाओगे ना प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की तरफ, बहुत से आपको जो है आश्रम यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए इधर इधर भी आपको मिलेंगे, लाइट वगैरह हैं इधर। ये देखिए सभी श्रद्धालु जा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। तो अभी चलते चलते मैं वहाँ से आ चुका हूँ, ये अभी परिक्रमा मार्ग ही है और मुझे वो साइन बोर्ड दिख गया जहाँ पर लिखा हुआ है श्री राधा रानी केली कुंज आश्रम के लिए बोर्ड लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद फाइनली मैं आया हूँ। ये देखिए ये है परिक्रमा मार्ग, आप देख पा रहे हो। ये देखिए अगर आपको आना है यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, उसके सामने से रास्ता है। ये देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये देखिए संत निवास श्री हित राधा केली कुंज वराह घाट परिक्रमा मार्ग, ये लिखा हुआ है। इधर से हम चलेंगे, तो हम जा रहे हैं इस रास्ते से। इस रास्ते पे बहुत से आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप जो है माला वगैरह खरीद सकते हो। ये देखिए लिखा है सत्संग भवन, गरीब आश्रम है जहाँ पर जो है हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो है। ये देखिए यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी की बहुत सी फोटोज यहाँ पे बिक रही हैं, आप जो है ले जा सकते हो। ये देखिए आज का संत निवास श्री हित
राधा खेली कुंज। यह मंदिर है भाई। तो दोस्तों ये रास्ता गया हुआ है आश्रम के लिए, ये आप देख सकते हो लिखा है श्री हित राधा केली कुंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समय सारणी भी लगी हुई है, आप देख सकते हो ये देखिए समय सारणी प्रातःकालीन और शामकालीन की समय सारणी लगी हुई है। और ये देखिए अभी गेट यहाँ पे बंद है, श्री हित राधा केली कुंज पूछताछ केंद्र भी है, आप जो है पूछताछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूछताछ इंक्वायरी केंद्र भी है, और यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर पर भी बाबा जी का जो है ऐप है श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन एंड्रॉयड ऐप है। और ये आप देख सकते हो लिखा है श्री हित राधा केली कुंज, और ये अभी बंद है। तीन द्वार हैं यहाँ पे, प्रवेश द्वार 1 है और ये 2 है, एक उधर 3 है और अभी क्लोज है भाई साहब। ये आप देख सकते हो ये है भाई आश्रम, ये है भाई 1 2 3 मंजिल का है भाई ये रास्ता है। अभी यहाँ पे भीड़ हो जाएगी जब ये खुलेगा आश्रम, काफ़ी देर से ढूंढते ढूंढते हम आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये अंदर जो है कीर्तन भजन भी हो रहे हैं इसके अंदर। यही वो आश्रम है जहाँ पर हमारे प्रेमानंद महाराज जी सत्संग किया करते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप मैप पर भी डाल दीजिए, राधा केली कुंज के नाम से डालोगे तो जो है मैप पर जो है ये आश्रम आ जाएगा, मैप के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हो। वैसे परिक्रमा मार्ग पर ही ये जो आश्रम है पड़ता है, परिक्रमा मार्ग से तो सामने रहा परिक्रमा मार्ग, तो वहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर जो है आपको जो है ये आश्रम आपको दिख जाएगा। ये देखिए भाई दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, आप देख सकते हो। ये देखिए श्री हित राधा कृपा के नाम से बाबा जी का जो यूट्यूब चैनल है वो भी है, इसमें प्रातःकालीन दैनिक सत्संग वगैरह भी दिया हुआ है। फिर कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं, एक यू है गुरु कृपा केवालम और भजन सार भी है, और साधन पथ वृंदावन रास महिमा भजन मार्ग इंग्लिश, ये आप देख सकते हो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ इस गली से, यहाँ के पास में मंदिर भी है, ये आप देख पा रहे हैं ये मंदिर भी है। और यहाँ पे देखो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, तो आप देख सकते हो बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी की तस्वीरें बिकती हैं, लोग यहाँ से तस्वीरें भी ले जाते हैं। ये देखे प्रेमानंद महाराज जी, ये देखो इस गली में आओगे तो आपको महाराज जी की बहुत सी तस्वीरें मिलेंगी, आप जो है घर ले जा सकते हैं। ये देखते भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सूचना लगा हुआ है, आप देख लीजिए पूज्य महाराज जी के साथ एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन व श्री हित राधा केली कुंज परिसर में नियमित सत्संग और कीर्तन आदि के लिए टोकन बिल्कुल निशुल्क है। अगर आप आना चाहते हो तो टोकन ले सकते हो, टोकन लेने के बाद आपका जब नंबर आएगा तो आप जो है सत्संग में शामिल हो सकेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ का साइन बोर्ड ऑफिशियल,